update? Well, Tina, as you know, the voting begins at 10 a.m. and the Prime Minister is likely to arrive, and then he is likely to cast his vote for the presidential polls of 2022. But a very interesting part here right now, we know that this time the NDA's nominee is a woman candidate, a tribal candidate for the first time. So right now I'm joined by the MPs of the Rajya Sabha and also of the Lok Sabha. So let's get the pulse, actually what the women MPs are feeling. Ma'am, swagat hai aapka Sansad TV mein. Kis tarah se dekhti hain aap mahila umidwar hain NDA? मैं तो आज गौरव महसूस करती हूँ क्योंकि मैं भी एक आदिवासी महिला हूँ और आज महिलाओं में आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए और हमारी सब महिलाओं के लिए मैं गौरव अनुभव करती हूँ। और आज जो देश का सर्वोच्च पद है वो हमारा आदिवासी महिलाओं का मिल रहा है, इसलिए मेरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारा गौरव मोदी जी को मैं अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। जी बिल्कुल, आपसे समझना चाहूँगी किस तरह की फीलिंग है एक महिला उम्मीदवार हैं एनडीए की प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। आज मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ, मैं भी एक आदिवासी सांसद हूँ, गुजरात से हूँ और जो द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है उनको माननीय मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने जो सर्वोच्च पद है देश का उसके लिए पसंद किया है, तो मैं उनको समर्थन करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक सामान्य परिवार की महिला को ये सर्वोच्च पद देने की सोच रही हूँ। जी बिल्कुल, लौट कर आएंगे तो टीरा, जैसा हम देख भी रहे हैं कि एक अलग तरह का उत्साह